हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आ गया ना आपका फिर से रीनीट का एडमिट कार्ड। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम जब ये अनाउंस हुआ था तो उसी से मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि आपका विद इन अ वीक एडमिट कार्ड आ जाएगा, और फाइनली आपका विद इन अ वीक एडमिट कार्ड आ गया। इट्स मीन 20 जून को ये अनाउंस कर दिया गया कि अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे हम लोग रीनीट का? तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है nit.nta.online.in। इस पे जाना होगा आपको। फिर उसके बाद पेज जो ओपन होगा उस पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आपको क्या चाहिए? एप्लीकेशन नंबर चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जो फील्ड में डेजिग्नेटेड फील्ड में होगा उसमें आप उसे फिल कर दीजिएगा। जैसे ही प्रेस कीजिएगा, ओके कीजिएगा, आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पे दिखेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे आप निकाल लीजिएगा एकदम क्लियर प्रिंट आउट में। और उसमें जो भी, क्योंकि आपने पहले के एग्जाम दे रखा है, तो डेफिनेटली इस बार भी आपका एग्जामिनेशन उसी के आधार पे, उसी के पैटर्न पे होगा। ये 1563 बच्चे का एग्जामिनेशन हो रहा है, 1563 स्टूडेंट का। आई होप कि ये इस एग्जामिनेशन से जो भी लोगों के अंदर में कन्फ्यूजन्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाए। फिर से नया स्कोर कार्ड बनेगा तो हम लोग को पता ही है। तो देखिए इस बार क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1563 में कितने स्टूडेंट पास करते हैं, कितना का अच्छा स्कोरिंग आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर से एक बार बनेगा। क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि 720 आउट ऑफ 720 वाले 67 स्टूडेंट हैं, लेकिन इस बार ये स्कोर कार्ड बनने के बाद ये स्टूडेंट का जो स्कोर कार्ड है यानी टॉपर्स का, वो कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर होगा, क्योंकि कुछ टॉपर स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। 23 जून को आपका एग्जामिनेशन है। आप कम से कम एक से डेढ़ घंटे जो एग्जामिनेशन हॉल होता है वहाँ पे पहुँचिएगा, और जो भी आपको एक चेकअप होता है, जो सिक्योरिटी वहाँ पे होती है वो चेक करती है, वो बढ़िया से चेक करा के आप चले जाइएगा। बहुत सारी बातें इसके बारे में कर रखी हैं मैंने, लेकिन फिर से आज मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा ड्रेस आप पहन के जाइएगा, नॉर्मल, कोई आपको मेटल्स वाला वगैरह वगैरह ये सब कुछ नहीं पहन के जाना है, ना बैंगल्स, ना इयर रिंग, ना कुछ क्या बोलते हैं ये चैन वगैरह, यहाँ तक कि जींस भी मत पहन के जाइएगा। जींस में जो बटन होता है वो देखेगा तो उसे प्रॉब्लम करेगा आपको। सिंपल सा ट्राउज़र और एक टी शर्ट पहन के जाना है, बाकी सारी चीज़ें। और आपका एडमिट कार्ड हॉल टिकट रखिएगा, जो उसमें इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे फोटोज़ वगैरह का वो रख लीजिएगा, पेन रख लीजिएगा, पेंसिल रख लीजिएगा, जो आपको रखना होगा, यानी जो रिलेटेड टू एग्जामिनेशन होगा वो आप रख सकते हैं। स्मार्ट वॉच ये सब पहन के नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री नहीं देगा। तो ऐसी गलतियाँ मत कीजिएगा जिसे पछताना पड़े, ओके? तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपका जस्ट एडमिट कार्ड आया है। निकालिए, एडमिट कार्ड को रखिए और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए, जाके एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।